हेलो दोस्तों, आज आप सभी को मैं जानना स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं, तो दोस्तों उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की तरफ से अपर PCS की फॉर्म आ चुकी है दोस्तों। आज 21/4/2020 को दोस्तों ये फॉर्म आई है दोस्तों, और आज ही से आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों इस फॉर्म को कैसे अप्लाई करेंगे, इसमें क्या क्वालिफिकेशन मांगा जा रहा है और इसे कैसे भरेंगे, पूरी बातों को डिस्कस हम दोस्तों आज आपसे करेंगे। दोस्तों इससे पहले मैं बताना चाहूँगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको रोजाना अपडेट आपको मिल रहेगा। चलिए दोस्तों हम वीडियो में बात करते हैं नीचे की, क्या इसमें क्वालिफिकेशन मांगा जा रहा और कैसे इसको भरेंगे। दोस्तों यहाँ पर देखते हैं, असिस्टेंट कन्वेयर रजिस्टर ऑफ फॉरेस्ट ACF रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर RFO सर्विस कमीशन की फॉर्म आई है, और डेट यहाँ पे आप देख सकते हैं एप्लीकेशन की 21/4/2020 से आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, और लास्ट डेट जो है वो अब की वो 18/5/2020 तक है। फॉर्म की फ़ी जो पेड करनी है 18/5/2020 तक पे करनी है, और फॉर्म को फाइनल सबमिशन दोस्तों आप 21/5/2020 तक कर ले। तो दोस्तों आप जब फॉर्म को अप्लाई करेंगे दोस्तों, तो ये फॉर्म ऑनलाइन अप्लाई करनी होगी, और ये फॉर्म आपके 3 स्टेज में भरे जाएंगे, स्टेज 1, स्टेज 2 और स्टेज 3। दोस्तों स्टेज 1 में आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, और स्टेज 2 में आप फॉर्म फीस पेड करेंगे, और स्टेज 3 में दोस्तों आप अपना फोटो सिग्नेचर और डॉक्यूमेंट अपना दोस्तों अपलोड करेंगे सॉफ्ट कॉपी। हम बात करते हैं दोस्तों कि इसमें फॉर्म फीस क्या मांगा जा रहा है। तो दोस्तों इसमें जो फॉर्म फीस मांगा जा रहा है वो OBC के लिए और दोस्तों अनरिजर्व इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए यहाँ पर जो फॉर्म फीस मांगा जा रहा है वो बहुत कम है दोस्तों, 100 रुपये है, और प्लस चार्ज एंड प्रोसेसिंग फीस देना पड़ेगा। तो दोस्तों तो यहाँ पर टोटल 125 रुपये पे करने हैं। अब हम देखते हैं कि आधार कास्ट के लिए क्या पे करना है। दोस्तों SC ST के लिए यहाँ पर सिर्फ 65 रुपये पे करने हैं, और हैंडीकैप दोस्तों विकलांग लोग के लिए 25 रुपये हैं, और एक सर्विसमैन के लिए 65 रुपये पे करने हैं। दोस्तों तो आप यहाँ पर देख सकते हैं फॉर्म फीस। दोस्तों उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि दोस्तों इसमें आपका जो ग्रेड पे होगा वो क्या होगा। दोस्तों इसमें जो ग्रेड पे होगा वो अपर PCS और लोअर PCS के लिए यहाँ पे दोस्तों थोड़ा सा अलग अलग देखने को मिलता है। दोस्तों यहाँ पे लोअर PCS के लिए 9,300 से लेकर 34,800 रुपये तक की सैलरी मिलेगी दोस्तों, और ग्रेड पे इसमें आपको 4,600 रुपये में मिल जाएगी। और हम बात करते हैं अपर PCS के लिए, तो अपर PCS के लिए यहाँ पे दोस्तों देखने को मिलता है 15,600 से लेकर 39,100 रुपये तक की मिलेगी, और साथ में यहाँ पे ग्रेड पे 5,400 रुपये देखने को मिलता है। तो आप देख सकते हैं, और नीचे बहुत सारा पोस्ट का नाम दिया गया दोस्तों। मेन जो दो दिया गया है पे स्केल ग्रेड पे और स्टेटस ऑफ पोस्ट, यहाँ पे असिस्टेंट कंजर्वेस्टर और फॉरेस्ट के लिए 15,600 रुपये से लेकर 39,100 रुपये तक की होगी, और साथ में ग्रेड पे होगा जो 5,400 रुपये तक की होगा, और लेवल अब 10 के हिसाब से आपका दोस्तों सैलरी मिलेगा ग्रुप बी। हम बात करते हैं रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर, ये क्या सैलरी आएगी, तो यहाँ पे 9,300 से लेकर 14,800 रुपये तक की मिलेगी, साथ में यहाँ ग्रेड पे 4,800 की है, और इसका जो आपका जो पे स्केल जो मिलेगा वो लेवल 8 के हिसाब से होगा, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। दोस्तों अब हम बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन। दोस्तों एजुकेशन क्वालिफिकेशन दोस्तों आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए, चाहे आप किसी भी स्ट्रीम से क्यों हम बैचलर डिग्री होगी तो दोस्तों आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों इसमें बहुत सारे पोस्ट हैं, तो दोस्तों यहाँ आप सब असिस्टेंट ऑफिसर ट्रांसपोर्ट के लिए दोस्तों अगर आप अप्लाई करेंगे तो इसमें आपके पास लॉ से आप ग्रेजुएट किए होंगे तो आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। ठीक बेसिक शिक्षा अधिकारी एसोसिएट DIOS और अदर के लिए दोस्तों आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री होनी चाहिए। और यहाँ पे हम बात करते हैं डिस्ट्रिक्ट ऑडिट ऑफिसर के लिए, यहाँ पे कॉमर्स से आप ग्रेजुएट किए होंगे तो इसमें आप अप्लाई कर पाएंगे। और असिस्टेंट कंट्रोलर लीगल मेजरमेंट के लिए ग्रेड 1, और दोस्तों स्टेट कंट्रोल मेजरमेंट ग्रेड 2 के लिए दोस्तों आपके पास डिग्री होना चाहिए बैचलर डिग्री, और साथ में बैचलर डिग्री आप साइंस या विद फिजिक्स और दोस्तों किए होंगे, और साथ में अगर आप मैकेनिकल के स्ट्रीम से तो आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे दोस्तों। और दोस्तों आप जो बैचलर डिग्री किए होंगे उसमें आपका साइंस या फिजिक्स किसी एक सब्जेक्ट को लिए होंगे तो इस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल होंगे। अब हम बात करते हैं असिस्टेंट लेबर कमिश्नर के लिए, तो यहाँ पर आप डिग्री किए होंगे 8 से विथ साइकोलॉजी इकोनॉमिक्स और सब्जेक्ट और कॉमर्स येलो से तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 8 वाले के लिए भी दोस्तों यहाँ पे अच्छा अपॉर्चुनिटी है। अब हम बात करते हैं डिस्ट्रिक्ट प्रोग्रामर ऑफिसर के लिए, डिस्ट्रिक्ट प्रोग्रामर ऑफिसर के लिए आप बैचलर डिग्री किए होने चाहिए, और साथ में आप साइकोलॉजी और सोशल साइंस और होम साइंस और सोशल वर्क से किए होंगे तो इसके लिए आप एलिजिबल होंगे। कहते हैं सीनियर लेक्चर या DIET के लिए, तो यहाँ पे आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट होना ना चाहिए और साथ में BEd तो आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। अब बात करते हैं डिस्ट्रिक्ट प्रोबेशन ऑफिसर के लिए, तो यहाँ पे आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए, यानी पोस्ट ग्रेजुएट अगर आप साइकोलॉजी और सोशल वर्क्स या अगर आप एनी क्वालिफिकेशन अगर आपके पास है तो पोस्ट ग्रेजुएट का डिप्लोमा इन एनी ब्रांच तो या सोशल वर्क के एलिजिबल होंगे। चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर के लिए यहाँ पर भी आपको दोस्तों ग्रेजुएट किए होंगे आप डिग्री से साइकोलॉजी और सोशल वर्क्स या होम साइंस तो इसके लिए एलिजिबल होंगे। और दोस्तों फूड सेफ्टी ऑफिसर या डिक्नाइज ऑफिसर के लिए आपके पास पोस्ट डिग्री ग्रेजुएट होना ना चाहिए इन केमिस्ट्री या एनी सब्जेक्ट्स
हम बात करते हैं स्टैटिकल ऑफिसर के लिए, तो स्टैटिकल ऑफिसर के लिए आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री होना चाहिए। इन पोस्ट ग्रेजुएट अगर आप मैथमेटिक्स या मैथमेटिकल स्टैटिक्स और स्टैटिक्स और एग्रीकल्चर स्टैटिक्स से किए होंगे तो आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। और यहाँ पर लेबर इन्फोर्समेंट ऑफिसर के लिए आपके पास बैचलर डिग्री होना चाहिए विथ आप इकोनॉमिक्स या साइकोलॉजी और कॉमर्स या पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा और पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन लॉ से किए होंगे। आप नीचे और देख सकते हैं सब किए होंगे तो इसके लिए एलिजिबल होंगे दोस्तों। और हम नीचे की ओर देखते हैं कि इसमें क्या दिया गया। दोस्तों अब हम बात करते हैं फिजिकल फिटनेस के लिए, तो इसमें फिजिकल फिटनेस क्या मांगा जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे जो पोस्ट ऑफ असिस्टेंट कॉन्जर्वेस्टर ऑफ फॉरेस्ट एस के लिए जो फिजिकल फिटनेस एस है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। हाइट मेल के लिए यहाँ पे 130 सेंटीमीटर की हाइट है और फीमेल के लिए 150 सेंटीमीटर की हाइट है। और जस्ट दोस्तों आपको मेल के लिए 84 सेंटीमीटर होना चाहिए और फीमेल के लिए 79 सेंटीमीटर की चेस्ट होना चाहिए। और एक्सपेंशन सेंटीमीटर आपको चेस्ट को फुलाना पड़ेगा 84 सेंटीमीटर के बाद और 79 सेंटीमीटर के बाद। और दोस्तों हम बात करते हैं प्रोवाइडेड द मिनिमम हाइट स्टैंडर्ड केस ऑफ, दोस्तों अगर जो भी कैंडिडेट लद्दाख सिक्किम भूटान से यहाँ पे देख सकते हैं मोस्ट कुछ दिया गया अरुणाचल प्रदेश, तो अगर वो वहाँ से बिलोंग करते हैं तो उनके लिए यहाँ पे हाइट कम की सुविधा दिया गया है। वो मेल अगर है तो वो 152.5 सेंटीमीटर की हाइट होगी और फीमेल के लिए 145.0 सेंटीमीटर की हाइट होगी तो वो इसके लिए एलिजिबल होंगे। और साथ में यहाँ पे दिया गया है कि मेल कैंडिडेट के लिए दौड़ का जो टेस्ट है वो 25 किलोमीटर दौड़ना पड़ेगा उनको 4 घंटे में, और फीमेल कैंडिडेट के लिए यहाँ पे कम है जो 14 किलोमीटर उन्हें दौड़ना पड़ेगा 4 घंटे में। हम बात करते हैं बी में, मैं दोस्तों रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर के लिए, रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर के लिए यहाँ पे जो हाइट मांगा जा रहा है वो मेल के लिए 163 सेंटीमीटर है और फीमेल के लिए 150 सेंटीमीटर है। और चेस्ट जो है वो 84 सेंटीमीटर है मेल के लिए और फीमेल के लिए 79 सेंटीमीटर है। और एक्सपेंशन यहाँ से यहाँ भी 5 से 5 सेंटीमीटर देखने को मिलता है। और खर्च नेपालीज उनके लिए भी यहाँ पे कम देखने को मिल जाएगा 1.5 सेंटीमीटर मेल के लिए और फीमेल के लिए 145। तो इनके लिए भी यहाँ पे दोस्तों जो दौड़ का जो टेस्ट होगा वॉकिंग का वो 25 किलोमीटर का होगा और वो उन्हें 4 घंटे में कंप्लीट करना पड़ेगा। और फीमेल को 14 किलोमीटर की दौड़ लगानी पड़ेगी जो जो उन्हें 4 घंटे में कंप्लीट करना है। तो यहाँ पे टाइमिंग सेम है, बस डिस्टेंस थोड़ा ज़्यादा दे दिया गया है बॉयज़ के लिए। ज़्यादा जानकारी के लिए दोस्तों आप इस नोटिफिकेशन से आप जानकारी ले सकते हैं, ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आप देख सकते हैं। तो दोस्तों हम बात करते हैं इसमें एज लिमिट के लिए, दोस्तों यहाँ पे एज लिमिट जो मांगा जा रहा है वो 21 साल से लेकर 40 साल तक अगर आप होंगे तो आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। तो अपना कास्ट सर्टिफिकेट लगाकर अपना एक्स्ट्रा छूट ले सकते हैं। बात करते हैं फिजिकली मेजरमेंट के लिए दोस्तों, और सारे जो पोस्ट है उनके लिए क्या मांगा जा रहा है। दोस्तों आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आ रहा होगा, तो दोस्तों वीडियो सही से देखें तो आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं फॉर पोस्ट ऑफ DSP के लिए यहाँ पर दोस्तों जो फॉर मेल कैंडिडेट है वो ओनली जनरल या OBC से है या SC से है तो उनके लिए जो हाइट है वो 165 सेंटीमीटर का है दोस्तों। और अनएक्सपेंडेंट का जो चेस्ट होगा वो 84 सेंटीमीटर होगा और एक्सपेंडेड का 5 सेंटीमीटर होगा जो 89 हो जाएगा। मेल कैंडिडेट के लिए जो जनरल OBC या SC से बिलोंग करते हैं तो उनके लिए भी 152 सेंटीमीटर की हाइट मांगा जा रहा है और ST के लिए यहाँ पे 147 सेंटीमीटर की मांगा जा रहा है। और यहाँ पर उनके लिए कोई चेस्ट का दोस्तों रूल नहीं है। कहते हैं कि मिनिमम वेट ऑफ फीमेल कैंडिडेट ऑल कैटेगरी, तो फीमेल कैंडिडेट के लिए जो वेट होगा वो 40 kg उनका दोस्तों जो वेट होना चाहिए। तो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट होमगार्ड के लिए जो हाइट मांगा जा रहा है वो 165 सेंटीमीटर का है और फीमेल के लिए 150 है। और यहाँ पे जो चेस्ट मांगा जा रहा है वो 84 और 89 है एक्सपेंडेड में, और अनएक्सपेंडेड में 79 है और एक्सपेंडेड में 84 है फीमेल के लिए देख सकते हैं। ST के लिए मेल कैंडिडेट ऑफ कमिक्यान एंड गवन गढ़वाल डिवीजन के लिए यहाँ पे 60 सेंटीमीटर है और चेस्ट जो है 84 है अनएक्सपेंडेड, और एक्सपेंडेड को लेकर यहाँ पे 89 मांगा जा रहा है। अब हम बात करते हैं फॉर पोस्ट ऑफ सुपरिटेंडेंट जेल के लिए, यहाँ पे सुपरिटेंडेंट जेल के लिए जो मांगा जा रहा है हाँ है जो फिजिकल फिटनेस और उसमें जो क्या हाइट है दोस्तों, तो उसमें आपका जो हाइट मांगा जा रहा है 168 सेंटीमीटर है। हम बात करते हैं फॉर पोस्ट ऑफ एक्साइज इंस्पेक्टर के लिए, तो यहाँ पे उनके लिए जो हाइट मांगा जा रहा है वो मेल कैंडिडेट के लिए 167 सेंटीमीटर है और फीमेल कैंडिडेट के लिए यहाँ पे SC ST के लिए 147 है और फीमेल अदर कैंडिडेट के लिए यहाँ पे 152 सेंटीमीटर मांगा जा रहा है। और मेल के लिए जो चेस्ट मांगा जा रहा है 81.2 और 86.2 है एक्सपेंडेड में और अनएक्सपेंडेड में 81.2 है। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं पोस्ट ऑफ डिप्टी जनरल के लिए, उनके लिए क्या हाइट मांगा जा रहा है। उनके लिए जो हाइट मांगा जा रहा है वो 168 सेंटीमीटर है और फीमेल के लिए 152 सेंटीमीटर है और चेस्ट है 81.3 है और अनएक्सपेंडेड में 0.5 है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और वेट जो है
फीमेल के लिए जो मांगा जा रहा है कम से कम दो दोस्तों वो 45 kg से लेकर 58 kg तक का होना चाहिए दोस्तों। हम बात करते हैं फॉर पोस्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट यूथ वेलफेयर के लिए यहाँ पे और वो वार्षिक दल ऑफिसर के लिए ये किया है, तो यहाँ पे जो हाइट मांगा जा रहा है वो एसटी के लिए 160 सेंटीमीटर मिनिमम, जो पानी हिल एरिया में रहते हैं उनके लिए 162 सेंटीमीटर है और अधिकारी रेट के लिए 167.7 सेंटीमीटर है, और चेस्ट जो मांगा जा रहा है वो जो परमानेंट हिल एरिया में रहते हैं और वो एसटी हैं तो उनके लिए 76.5 सेंटीमीटर का है और एक्सपेंडेड में 81.3 सेंटीमीटर का है। अधिकारी रेट के लिए यहाँ पे 78.5 सेंटीमीटर है और एक्सपेंडेड में 83.5 सेंटीमीटर है। हम बात करते हैं फीमेल कैंडिडेट के लिए, ये जो था वो मेल कैंडिडेट के लिए था सेम पोस्ट और सेम पोस्ट दोस्तों यहाँ पे फीमेल कैंडिडेट के लिए हम देखते हैं। फीमेल कैंडिडेट के लिए यहाँ पे जो हिल एरिया में रहते हैं परमानेंटली तो दोस्तों उन्हें 147.5 सेंटीमीटर होना चाहिए और हदर के लिए यहाँ पे 152 सेंटीमीटर होना चाहिए, और दोस्तों जो परमानेंटली हिल एरिया में रहते हैं वो एसटी होंगे और हदर के लिए यहाँ पे 152 मांगा जा रहा है। हम देखते हैं कि आगे इसमें क्या दिया गया। दोस्तों फॉर्म भरने से मैं आप अपना फॉर्म सही से भरें दोस्तों, उसमें ईमेल आईडी और फोन नंबर सही सही डालें ताकि कोई भी अपडेट आपको मिल जाएगा तुरंत। दोस्तों अगर एडमिट कार्ड आएगी तो दोस्तों उस पर आपको ओटीपी आ सकता है दोस्तों, और ये लिंक वहीं पे आ सकता है, तो इसलिए दोस्तों अपना फोन नंबर दोस्तों सही से डालें। फॉर्म भरने की लिंक मैंने वीडियो की दोस्तों फॉर्म भरने की लिंक मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक भी मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा ताकि आप वहाँ से जाकर इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर पाए और ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी आप दोस्तों ले पाए। दोस्तों हम बात करेंगे दोस्तों आप जब अपना फोटो दोस्तों जो अपलोड करेंगे दोस्तों वो आपको इस साइज के होने चाहिए, देखते हैं वीड जो होगा वो 3.5 सेंटीमीटर का होगा और हाइट जो होगा दोस्तों वो 1.5 सेंटीमीटर का होगा से लेकर दोस्तों 1.5 सेंटीमीटर में आपको सिग्नेचर करना है और 4.5 सेंटीमीटर का आपको दोस्तों फोटो होगा, तो दोस्तों सिग्नेचर फोटो एक साथ होना चाहिए अटैच, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों। इसलिए दोस्तों फॉर्म को सही से भरें और दोस्तों इसमें फॉर्म फीस जो है वो नॉन रिफंडेबल है दोस्तों, इसलिए फॉर्म जब भरे तो सही से फॉर्म को भरें। हम बात करते हैं दोस्तों इसमें आपका स्टेज वन में दोस्तों जो एग्जाम होगा प्राइमरी जो एग्जाम होगा वो आपका दोस्तों ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा, मल्टीपल चॉइस होगा, तो साथ में दोस्तों उसमें निगेटिव मार्किंग भी रहेगा, और दोस्तों इसमें तीन स्टेप में दोस्तों इसमें सिलेक्शन प्रोसीजर है, इसका जो सिलेक्शन प्रोसीजर है वो तीन स्टेप का है दोस्तों, किसी पोस्ट के लिए दोस्तों दो है और दोस्तों इंटरव्यू दोस्तों सारे पोस्ट के लिए ये नहीं है, किसी किसी पोस्ट के लिए ही है दोस्तों, जो अपर पीसीएस के लिए उनके लिए इंटरव्यू का सिस्टम है और जो लोअर पीसीएस के लिए उनके लिए इंटरव्यू का सिस्टम नहीं है, तो यहाँ पे आपका फिर मेंस एग्जाम देना पड़ेगा दोस्तों स्टेज वन एग्जाम के बाद, प्रीलिमिनरी एग्जाम के बाद आपको मेंस एग्जाम देना पड़ेगा, उसके बाद दोस्तों रिटन एग्जामिनेशन होगा और साथ में दोस्तों उसके बाद इंटरव्यू होगा जो पोस्ट में इंटरव्यू आते होंगे। तो दोस्तों रिटन टेस्ट में आपका दोस्तों जो सब्जेक्ट होगा वो 6 पेपर का होगा, सारे ये 6 आपको कंपल्सरी होंगे, जनरल इंग्लिश ऐसे जनरल स्टडीज फर्स्ट पेपर, जनरल स्टडीज सेकंड पेपर, जनरल स्टडीज थर्ड पेपर, जनरल स्टडीज फोर्थ पेपर। दोस्तों यहाँ पे मार्क्स भी दिया गया जो आप देख सकते हैं 150 का है और 200 का है, और साथ में इसमें आपका एक कंपल्सरी सब्जेक्ट रहेगा, आपका जो कंपल्सरी सब्जेक्ट रहेगा वो इन 29 में से एक होना चाहिए जो आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा दोस्तों। ये इसमें आप देख सकते हैं एग्रीकल्चर है, जियोलॉजी है, केमिस्ट्री मैथमेटिक्स और बहुत सारा यहाँ पे आप देख सकते हैं, हिस्ट्री है, सिविल इंजीनियरिंग है, इंजीनियरिंग वाले के लिए मैकेनिकल है, आपका दोस्तों जो सब्जेक्ट आपका दोस्तों मजबूत हो जिसमें आपका कॉन्फिडेंस हो वो आप इसमें से चूज कर सकते हैं, उसका रिव्यू जो होगा दोस्तों वो आपका 100 मार्क्स का होगा और दोस्तों इन तीनों के हिसाब से ही दोस्तों आपका कटअप निकाला जाएगा। हम बात कर लेते हैं दोस्तों कि इसमें आपका जो एग्जाम होगा कितने देर का होगा, रिटेंटर्स जो होगा आपको 3 घंटे का होगा, वो दोस्तों 2 सीट में लिया जाएगा, सारे 9 से दोस्तों 12:30 और दोस्तों 2 बजे से लेकर 5 बजे तक। लोग भी पढ़ने वाले हैं उनके लिए दोस्तों बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है दोस्तों कि ये लॉकडाउन में होते हुए भी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की तरफ से PCS की फॉर्म आ चुकी है दोस्तों, तो उनके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि वो इसकी अच्छी से तैयारी कर ले दोस्तों। आई होप दोस्तों कि ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों अगर कोई बात नहीं समझ में आया तो नीचे आप कमेंट कर ले दोस्तों, लाइक कर दे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे दोस्तों आपको रोजाना अपडेट आपको मिलता रहेगा।